खाती हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनाज वर्ल्ड। तो मैं आ रखी हूँ देहरादून, और अगर मैं देहरादून आई हूँ तो मैं आपको पल्टन मार्केट ज़रूर लेकर जाऊँगी। तो आज जिस पल्टन मार्केट को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ अ संडे मार्केट। संडे में पल्टन के रेट थोड़े से ज़्यादा कम रहते हैं, तो देखते हैं कि आज हमें पल्टन में क्या क्या ट्रेजर मिलता है। और अभी मैं जस्ट निकल ही रही हूँ मार्केट के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड मॉर्निंग के टाइम में ही जाना बहुत सही रहता है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो कोशिश हमें ये करनी है कि मॉर्निंग में जाना है। अराउंड अभी हो रहा है 11:30 हो रहा है, तो अभी जस्ट मैं निकलती हूँ और सीधा मिलती हूँ आपको मार्केट में विद ऑल द डायरेक्शन एंड माय वॉइस ओवर। मार्केट पर जाने के लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है टुकटुक एंड विक्रम। तो अपनी विक्रम और टुकटुक लेकर आ जाइए मार्केट में। मैंने मार्केट में एंट्री करी है डिस्पेंसरी लेन से, और ये सामने है राजमा वाली गली। और उसके बाद जैसे ही आप इस गली से सीधा सीधा जाएंगे ना, तो आपको ये कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप मिलेगी। यहाँ पर बस आपको करनी है, इन शॉप के जस्ट बाहर ही आपको धड़ी का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 100 रुपीज़ के टॉप पैंट्स और साथ में व्हाइट शर्ट्स का कलेक्शन भी होगा। साथ में जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर पैंट्स है, टॉप है, ड्रेसेस है, सबका कलेक्शन होगा। और साथ में जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी थी, दैट इट्स शॉर्ट्स। यहां पर बहुत ब्यूटीफुल कलर के शॉर्ट्स थे, यहां पर डेनिम के शॉर्ट्स थे, कपड़े के शॉर्ट्स थे। ये सारे शॉर्ट्स का कोड कर रहे थे 250 रुपीज। ये जो ब्लैक कलर का शॉर्ट्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसी लेन में आप आगे जाओगे ना, तो ये जो आपके लेफ्ट में है, दैट इज कॉल्ड गुफा वाली गली, जो हमेशा मेरी वीडियोस में रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद थी। इस गुफा वाली गली के जस्ट सामने है ये एथनिक वेयर का कलेक्शन, जहां पर भैया कह रहे थे संडे मार्केट में इस टाइप की आवाज़ों का सुनाई देना बहुत ज़्यादा कॉमन है। बस थोड़ा सा आगे चलते ही, लेफ्ट में मुड़ते ही आपको मिल जाएगा ये शॉप। इस शॉप में मैं आपको विंटर में लेके आई थी, जहाँ मैंने हुडी वगैरह और जैकेट परचेज किया था। अब यहाँ पर आ गया है टॉप, विंटेज ट्विन शीटर, साथ में शर्ट्स और मैनी मोर कलेक्शन। उसके बाद इसी गली से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, यहाँ पर फ्रेम्स वगैरह या फिर मिरर वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। आप घर को सजाने के लिए यहाँ से सामान ले जा सकते हैं। उसके बाद ना राइट लेफ्ट बहुत सारे शॉप है, जिसे आप एक्सप्लोर कीजिएगा। और इस एक्सप्लोर करते करते आप पहुँच जाइए घुसी गली। घुसी गली में एंटर होते ही सीधा सीधा चलते रहिए, और आपको राइट एंड लेफ्ट में हर तरीके का कलेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो, या फिर घर में पहनने वाले शॉर्ट्स हो। ये शॉर्ट्स हमें 150 एंड 100 रुपीज कोट करे जा रहे थे, जिसमें जो है पॉकेट्स वगैरह सब कुछ था। और ये उससे भी थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट्स था, बट बहुत अच्छा कॉटन के कपड़े में था। इसी गली में आपको बॉयज का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर टी शर्ट्स थी, जीन्स थी, बहुत सारी कार्गो पैंट्स थे। तो जब भी आप आए, इसे चेकआउट करना मत भूलना। इसी गली में थोड़ा थोड़ा आगे चलती रहिए, ये आपको ज्वेलरी की शॉप मिलेंगी। और इसी गली से बाहर निकलते ही आप पहुंच जाएंगे पल्टन की द मेन लेन में। इसी रोड में मिलती है पल्टन की सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा कपड़ों का कलेक्शन, साथ में धड़ियां भी इसी लेन में मिलती हैं। यहां पर हमको 200 रुपीज में कार्गो की कलेक्शन देखने को मिलेगा, साथ में 100 रुपीज में जॉगर देखने को मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स का एक मिक्स मैच कलेक्शन इसी लेन में मिलेगा। यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, और साथ में होने वाली है बहुत ज्यादा गर्मी, तो पानी साथ में जरूर लेकर जाइएगा। यहां पर देखिए आपको 300 रुपीज में शर्ट और ड्रेसेस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। साथ में पूरी मार्केट में जो सबसे इंप्रेसिव था, दैट इज 300 रुपीज का ये कलेक्शन, जो कोअर्ड सेट में था, वुमेन्स के लिए भी है, साथ में आगे चल के बॉयज के लिए भी मिलेगा। ये अंकल की प्यारी सी स्माइल, और उसके बाद बॉयज का कलेक्शन देख के तो मैं एकदम अचंबा ही हो गई हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा बॉयज का कलेक्शन आ गया है दोस्तों। इसी गली में आगे आगे चलते रहिए, और आपको बहुत सारी धड़ियां मिलने वाली है, जिनमें बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल कपड़े मिलेंगे। जैसे कि ये रहा एक कोअर्ड सेट जो मिल रहा था 350 रुपीज का, जिसमें हमारे पास था शर्ट एंड पैंट, और ये यहाँ पर मैं गई थी जीन्स का कलेक्शन देखने, फिर जाकर मुझे मिले ये दो भैया। नहीं बना सकते क्या? अलाउ नहीं है? नहीं, हमको अच्छा लगेगा, हम यूट्यूब पे दिखेंगे। अच्छा, ओहो शिट, कोई नहीं, वहाँ तक का काट दूंगी फिर, हमें ब्लर कर देना। ये दोनों भैया नहीं चाहते थे कि मैंने वीडियो में लूँ, तो आई डिसाइडेड कि मैंने ब्लर नहीं, वीडियो से ही हटा दूंगी। उसके बाद मैंने पिया था ये मस्त मस्त नींबू पानी। नींबू पानी पीकर मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश, और फिर निकल गई थी आगे शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ी, तो इन झुमकों ने मुझे रोक लिया गाइस, और फिर मैंने इन प्यारी प्यारी झुमकों को, नेकलेस एंड बैंगल्स का कलेक्शन देखा, और साथ में कजिन चांद बालियाँ इतनी प्यारी लग रही थी। तो आप जाएँ तो ज़रूर परचेज करना। उसके बाद ये पल्टन बाज़ार की ये आवाज़ें ना आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती है। दोस्तों का
संडे मार्केट के इस कलेक्शन को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय एंड साथ में बहुत ज़्यादा परचेज भी किया है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते और सीधे चलते हैं हॉल वीडियो की तरफ। वेलकम टू अ हॉल वीडियो। तो इसी का ही पल्टन बाजार का ही हॉल मैं साथ में आपको दिखा देती हूँ और मैं ना आपको शॉप्स भी बता दूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ये शॉप से ये जो परचेज किया है। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, कम्प्लीट नॉर्थ इंडिया में जो है हमारा रेड अलर्ट करा गया है हीट का। बट गर्ल्स तो गर्ल्स होती है, वो बहुत सारी शॉपिंग तो करती है। मैं आपको बताऊँ, मुझे लगा था मॉर्निंग में मैं जाऊँगी इतनी भीड़ नहीं होगी, बट आपने वीडियो में देखा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और साथ में मैं अपने साथ लेकर आ गई हूँ इतने सारे कपड़े, क्योंकि मेरे पास वो कपड़े ही नहीं है। फर्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करूंगी, दैट इज सॉक्स। तो मैंने जो ये लिया है ये है लक्ष्मी जो डोसा वाला रेस्टोरेंट है, दैट इज ओल्ड रेस्टोरेंट, उसके जस्ट बाहर पे जो अंकल जी बैठते हैं ना, मैं हमेशा उनसे ही लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 के 3 दिए थे। What? तो उन्होंने मुझे 10 के 3 दिए थे। सेकेंड एंड द थर्ड, इसकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम होती है और साथ में इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, मुझे पड़ा था 100 का 3। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है घूसी गली में। जैसे ही आप एंटर करोगे ना, वो पूरी गली भरी हुई है कपड़ों से। वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन देखने को मिलेंगे। वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाला कलेक्शन भी है, एक्सपेंसिव इन द सेंस 1000 के अंडर का कलेक्शन है। जो मैं वहां से लेकर आई हूँ वो है दीज शॉर्ट्स। ये बहुत प्यारे जो है गर्मियों में पहनने वाले शॉर्ट्स हैं। इनकी कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एकदम स्ट्रेचेबल। एंड ये शॉर्ट्स जो है 100 रुपीज के थे, वहां पर 2 क्वालिटी थी, थोड़ा सा थाइस से ऊपर वाला कलेक्शन दैट इज 150 रुपीज, एंड शॉर्ट्स कंप्लीट शॉर्ट जो हमेशा हम रेगुलरली पहनते हैं गर्ल्स, वो थी 100 रुपीज की। तो आई परचेज 2 शॉर्ट्स, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दैट। तो ये 2 जो है मैं शॉर्ट्स लेकर आ गई हूँ, बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है एंड द कम्प्लीट कॉटन की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है। तो मैंने ये शॉर्ट्स लिए थे 100 रुपीज के। नेक्स्ट थिंग जो मैं लेकर आ गई हूँ दैट इज अ ड्रेस। ये ड्रेस आपको 80s और 90s की विंटेज फीलिंग देने वाली है। एंड दिस ड्रेस इज कलर इज पीच एंड उस पर आप वर्क देखो गाइस, इतना ब्यूटीफुल सा वर्क। और हाथ है इसकी, हैंड डिटेलिंग देखो इतनी प्यारी है और एकदम नेट की डिटेलिंग है। अंदर कपड़ा भी दिया हुआ है, इतना ब्यूटीफुल सा सैटिन का कपड़ा दिया हुआ है। आई रियली थिंक कि मेरे सारे परचेजेस में दिस इज द बेस्ट वन। दिस वन इज अ कोर्ड सेट। तो मैं जो लेकर आ गई हूँ वो है ये यूनिसेक्स जो है कोर्ड सेट का कलेक्शन, वहां पर रखा था एकदम धड़ी में ही मुझे मिला है। तो इसमें ना आपको वन शर्ट मिलेगा एंड जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। साथ में इसके साथ मिलेगा एक शॉर्ट्स। यहाँ पर मेरे भाई ने ट्राई नहीं किया इसलिए मैंने ही उसके कपड़े ट्राई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पर्पसली मैं अपने भाई के लिए लेके आई थी। अगर अपने भाई या अपने जो है कजिन्स वगैरह या फिर अपने किसी अच्छे या अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये गिफ्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। आई परचेज दिस ₹350 और 350 में अगर आपको कोर्ड सेट मिल रहा है ना तो गाइस ले लो यार, किसी को गिफ्ट कर। नेक्स्ट वन जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो पर्पसली बिल्कुल नहीं खरीदा गया था, मेरा थॉट ही नहीं था उसको परचेज करने का, बट आई परचेज 3 शर्ट्स। और लिटरली मैं आपको बताऊं, आई एम द गर्ल जो मतलब जिसे पसंद है आउटफिट जो है बहुत ज्यादा कैजुअल रखना पसंद है। आई लव वेयरिंग शर्ट्स, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे उस टाइप का पेयर करना। आई एम नॉट द गर्ल जिसे फैशन डीवा बोल सकते हैं आप। तो आई रियली लव द मटीरियल जो मैंने खरीदा है। सबसे पहले जो शर्ट की हम बात करेंगे, दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटिफुल स्ट्राइप वाला शर्ट की है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, पिंक बोले तो रेड कलर का है। और मेरे सारे हॉल में द सबसे एक्सपेंसिव थिंग इज दिस। तो ये जो शर्ट मुझे पड़ा है ये बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा था और ये मुझे पड़ा है 300 रुपीज का। आई नो कि धड़ी से थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ गया है, बट कपड़ा इन सब में सबसे अच्छा है और ये मैंने लिया था ऑफिस वेयर पहनने के लिए एंड आई थिंक इट्स अ गुड। ये जो शर्ट है ये मुझे मिला था धड़ी में एंड द प्राइस इज 100 रुपीज। और साथ में अगर इसकी बात करूं तो इस शर्ट में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसका जो ये आर्म्स है बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब एकदम आपके शोल्डर तक आएगा एंड सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ज्यादा ढीला है और कंप्लीट कॉटन का कपड़ा है। और मैंने इसे सरप्राइज क्यों बोला, लेट मी टेल यू, के अंदर ऑलरेडी एक टी शर्ट अटैच है, टी शर्ट जैसा एक है देन इसके अंदर है। तो ये जो है बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल, जिस टाइप का मैं इसको स्टाइल करना चाहती थी वैसा ही शर्ट ये निकला है। नेक्स्ट वन इज अ शर्ट जो कि बहुत प्यारे से ब्लू एंड व्हाइट कलर का स्ट्राइप है।
एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल शर्ट। इसका एक और ना मेरे पास ग्रीन कलर का है जो मैंने लिया था जूडियो से एंड दैट कॉस्ट मी 599 रुपीज, बट दिस कॉस्ट मी ओनली 100 रुपीज गाइज, ओनली 100 रुपीज। और मैं बताऊँ इसकी क्वालिटी सच में ऑसम है। इसमें सबसे पहली बात, दिस इज द ब्यूटिफुल शर्ट विद अ ब्यूटिफुल डिजाइन। इसमें देखो आगे पे ना इतने प्यारे प्यारे से बोहो डिजाइन है। आई थिंक इट्स अ क्यूट क्यूट टेडी जैसे यार, इट्स अ कैटी, दिस अ क्यूट क्यूट कैटी का डिजाइन बना हुआ है। कपड़े का मटेरियल इट्स कॉटन एंड रियली 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 गुड परचेज। आई लव दिस कि जब मैंने इसे परचेज किया मुझे अभी तक कोई रिग्रेट नहीं। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक पैंट जो मेरी सारी पैंट की कलेक्शन को फेल करने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉस्ट मी ओनली 300 रुपीज एंड देन द क्वालिटी गाइस, क्वालिटी इतनी ज्यादा अमेजिंग है। सारे पैंट्स में सबसे अच्छी क्वालिटी अभी तक की दिस इज द वन। तो इसमें जो है ब्यूटिफुल, सबसे पहले तो कलर देख लीजिए, खाकी जैसा कलर है इसका, बिल्कुल लाइट कलर का, जो आपके जो है डार्क कलर के टॉप या टी शर्ट के साथ बहुत परफेक्टली जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात है इसका रबड़ वाला बेल्ट, तो इसके बैक में ना आपको इस टाइप का एक रबड़ का बेल्ट मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होगा ना कि आपकी जो साइज है अगर 36 तक भी है तब भी आप पहन सकते हैं। आगे ये ब्यूटिफुल ज़ारा वाला डिजाइन है, ज़ारा में ये पैंट्स ना गाइस आपको मैं बता रही हूँ 2000 अबव 2000 पक्का मिलेगा। और दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।